हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एन आर म्यूजिक एंड रेसिपी ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इससे आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, आज की मेरी रेसिपी है सिंपल, ईजी एंड क्विक, फटाफट से बनने वाली मटन कोफ्ते की। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसके लिए और इसको बनाते कैसे हैं। तो आइए बनाते हैं। 4 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस के इसका प्यूरे रेडी कर लिया है। 250 ग्राम मैंने फुल फैट खीमा लिया है और इसको भी थोड़ा सा मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है क्योंकि मुझे रेशेदार खीमा चाहिए था इसलिए। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ प्याज को मैंने पीस के इसका प्यूरे रेडी कर लिया है। 2 बड़े आलू को मैंने छिल के इसको 4 टुकड़ों में काट लिए हैं। 20 ग्राम्स मैंने सफ़ेद चने लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 बड़े चम्मच मैंने तेल ले लिए हैं। 30 ग्राम्स मैंने काजू और बादाम लिए हैं। धनिया पत्ता लिया है मैंने थोड़ा सा। 20 ग्राम्स मैंने बटर ले लिया है, मक्खन। मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और तड़के के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइसली चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा, 8 से 9 मैंने काली मिर्च लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और नमक। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स में हम कोफ्ते भी बना लेंगे और इसकी करी जो इसका सालन है वो भी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो हम काजू, बादाम और जो सफ़ेद चने हैं उसको पीस लेंगे। आप काजू बादाम की जगह पे आधा नारियल भी ले सकते हो। चलिए इसको पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है हमें, इसको रफली ही पीसना है, दरदरा सा ये रहना चाहिए पाउडर। सब में पहले हम हमारे खीमे को मैरिनेट कर लेते हैं जिसके हमें कोफ्ते बनाने हैं। इसमें मैं डाल लूँगी जो पाउडर हमने ग्राइंड किया है काजू बादाम और सफ़ेद चनों का, वो 5 टेबलस्पून मैंने पाउडर ये डाला है इसमें। फिर मैंने डाला है 2 हरी मिर्च जो मैंने रफली चॉप कर ली थी। इसके बजाय आप इसका पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबलस्पून। धनिया पत्ता थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे। मैंने सॉल्ट लिया है 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मसालों में हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। हमने हरी मिर्च इसमें डाली है इसलिए मैंने रेड चिल्ली पाउडर कम ही डाला है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लगता है तो थोड़ा सा और आप इसमें डाल सकते हो। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। इससे क्या होगा ना, जो कोफ्ते हम तलते हैं तलने के बाद जो हार्डनेस आ जाती है कोफ्ते में वो नहीं आएगी, अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से ये क्रंची रहेंगे। आप इसके बजाय दही का भी यूज़ कर सकते हो। फटाफट से इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से
मल लेंगे। खीमे को अच्छे से मसल लीजिए हाथों की मदद से, तो इससे क्या होगा, सारा मसाला जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा खीमे में। जितना आप इसको गूनोगे उतना ये सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल जैसे हम आटा गूनते हैं वैसे ही हमें इसको मलना है हाथों की मदद से। और फिर हम अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से छोटी छोटी सी लोरियां बना लेंगे एक ही साइज के, देखिए इस तरीके से। लीजिए हमारी सारी लोरियां बनके तैयार हो चुकी है। अभी फटाफट से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी। अभी हम इसमें डाल लेंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसको तलेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही आप कोफ्ते डालना, इससे क्या होगा ये क्रिस्पी हो जाएंगी जल्दी से, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है क्योंकि ये सालन में ऐसे भी पकने वाली है, तो हमें सिर्फ इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है बस। तो फटाफट से इसको फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी उसी तेल में मैं जो आलू मैंने काट के रखे थे उसको भी हल्का सा इसमें हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही करना है क्योंकि ये भी सालन में हमारे गल जाएंगे। ये हो चुके हैं। चलिए अभी फटाफट से हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं इसका सालन। तो इसके लिए मैंने वही तेल यूज़ किया है जिसमें मैंने कोफ्ते और आलू को फ्राई किया था। लगभग 3 बड़े चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाला है। प्याज डाल लेंगे हम इसमें, ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब इसमें हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे बस। बस इतना सा ही ये ब्राउन करना है हमें। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारी पिसी हुई प्याज।
इसको भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। इसको मैं लो फ्लेम पे ही भून रही हूँ, हाई फ्लेम पे रहेगा तो ये हाथ पे उड़ेगा और हाथ जलेगा इससे। तो इसको आप लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के भूनना, तब तक भूनना जब तक ये प्याज की जो कच्ची स्मेल है वो नहीं चली जाती। ये प्याज अच्छे से भून चुकी है, तेल भी ऊपर आ गया है देखिए। अभी मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अभी भी मैंने फ्लेम लो ही रखा है। इसको भी मैंने 1 मिनट ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे भूनने के लिए रखा था, क्योंकि इसकी भी स्मेल अच्छे से चले जानी चाहिए। ये भी भून चुका है, तेल ऊपर आ गया है, इट मीन्स ये भी भून चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा टमाटर प्यूरे, जो 4 बड़े टमाटर को मैंने पीस के रेडी किया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इसमें मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। फिर मैंने इसमें डाल लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट। हमने कोफ्ते में भी सॉल्ट डाला है, इसलिए इसमें भी हम कम सॉल्ट डालेंगे। अभी मैंने डाल लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाल लिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे मैंने इसको ढक्कन ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए भुनने के लिए रख दिया, ताकि सारे जो मसाले हैं जिसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए और अच्छे से भुन जाए हमारा मसाला। देखिए ये भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है, इट मीन्स मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमारा बचा हुआ पाउडर था, वो सारा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम लो फ्लेम पे ही ढक्कन ढक के इसको थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। एक बॉईल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे कोफ्ते और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के मैंने इसको 1 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया था। चलिए देख लेते हैं कि ये कुक हुए कि नहीं, आलू गला है कि नहीं। 10 से 15 मिनट लगा हमें इसको कुक करने में, फ्राई करने के बाद भी आलू भी गल चुका है और कोफ्ता भी अच्छे से कुक हो चुका है। लीजिए, बनके तैयार है हमारा कोफ्ते का सालन। सिंपल है और इजी है और डिलीशियस भी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय।